जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट ट्वेल्व मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्ट हंड्रेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और दोस्तों हमेशा की तरह इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य सीज पर रहा है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी संपन्न हुए हैं और इनमें टॉप पर रहा है महाराष्ट्र कौन सा महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है ठीक है इसका आयोजन किया गया तमिलनाडु के चार शहरों चेन्नई त्रिची मदुरई और कोयम्बटूर में उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और इसका शुभंकर बनाया गया बीरा मंगाई वेलू नशियार के लिए छठवा संस्करण खेला गया है ठीक है और टॉप पर रहा है महाराष्ट्र टोटल एक पदक जीते हैं और किस मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजन किया गया तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया यथ गेम्स का आयोजन किया गया है बताइए इसी क्रम में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है करेक्ट आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने ठीक है और ये कहाँ के हैं तो ये इटली के हैं ठीक है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया दो शहरों में एक सौ बार संस्करण अभी आयोजित हुआ है पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने इटली के हैं महिला एकल का खिताब जीता है यानी नविलेंका ने ये कहाँ की हैं बेलारूस की हैं अच्छा पुरुष डबल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और भारत के रोहन बोपन्ना याद रखना पुरुष डबल इम्पोर्ट है क्योंकि इसमें भारत के बोपन्ना भी शामिल हैं ठीक है और महिला डबल्स की बात करें तो सीह सु वेई ताइवान की और एलिस मर्टेस हैं ये बेल्जियम की इन्होंने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है ठीक है अभी उनहत्तरवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 दिए गए ठीक है और उनहत्तरवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना ये रणवीर कपूर को दिया गया है, ठीक है और रणवीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है ठीक है तो उनहत्तरवें फिल्म फेयर पुरस्कार डिटेल की बात करें तो आयोजन किया गया गांधी गुजरात के गांधीनगर में ठीक है और हम बात करें कि इस कार्यक्रम की मेजबानी किसने करी है करण जौहर ने मेज़बानी करी है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर कपूर ने एनिमल मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ठीक है और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है ये विक्की कौशल ने जीता है डंकी मूवी के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है सबाना आजमी ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए ठीक है बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है विधु विनोद चोपड़ा ने ठीक है और ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए बहुत ही अच्छी मूवी है ट्वेल्थ फेल ठीक है इसको आप ज़रूर देखिए बताइए अभी झारखंड में तख्ता पलट हुआ है ठीक है झारखंड के सीएम थे हेमंत सोरेन ठीक है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और झारखंड के जो नए सीएम हैं वो चंपई सोरेन बन गए हैं बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है झारखंड की राजधानी तो सभी को पता है रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है ठीक है गवर्नर कौन है सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने है अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित हुआ है सबसे ज्यादा बजट जो है ये रक्षा मंत्रालय को आवंटित हुआ है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिये दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2024 को सुबह ग्यारह बजे संसद में अंतरिम बजट पेश किया ठीक है और ये छठा मौका है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है ठीक है तो दोस्तों यदि हम बात करें कि कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया सैंतालीस दशमलव छः छः लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया ये अंतरिम बजट है अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है तो अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है जिस साल इलेक्शन होते हैं ठीक है थीके? तो इलेक्शन होने तक मतलब नई सरकार आने तक सरकार के लिए खर्चों का ब्यौरा होता है ठीक है अंतरिम बजट ठीक है तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया है रक्षा मंत्रालय को दिया गया छः दशमलव एक लाख करोड़ फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया दो दशमलव सात आठ लाख करोड़ रेल मंत्रालय को दो दशमलव पाँच पाँच लाख करोड़ और उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को दो दशमलव एक तीन लाख करोड़ गृह मंत्रालय का भी याद रखना दो दशमलव शून्य तीन लाख करोड़ रुपए गृह मंत्रालय को दिया गया है भारत रत्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया तो ये सम्मान दिया गया है बिहार के बिहार के पूर्व सीएम एम कर्पूरी ठाकुर के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अच्छा बिहार के पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर इनको भारत रत्न दिया गया है मरु प्रांत याद रखना कर्पूरी ठाकुर दो बार तो बिहार के सीएम रह चुके हैं और एक बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे आप कहेंगे भैया कर्पूरी ठाकुर बने थे और उन्नीस में जैसे ही डिप्टी सी बने तो डिप्टी सी बनते ही इन्होंने बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया और याद रखना जो कर्पूरी ठाकुर हैं ये पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन के लिए आरक्षण के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है ठीक है इसकी शुरुआत कब हुई थी उन्नीस में पहली बार दिया गया था राधा कृष्ण सरपल्ली को उन्नीस में और पहली महिला भारत रत्न विजेता पूछा जाए तो इंदिरा गांधी कहेंगे इंदिरा गांधी को उन्नीस में दिया गया था देखिए उन्नीस में तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था एक तो डॉक्टर राधा कृष्ण और सी राजगोपाल और सी वी रमन सी सी रमन से याद रखना कि ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक हैं ठीक है अभी तक दो विदेशियों को भी भारत रत्न मिल चुका है पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान इनको सीमांत गांधी कहा जाता है दूसरे हैं मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ठीक है देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दू मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जिस प्रकार से हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ रहे हैं ठीक है आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है इस ई e बुक के अंदर पाँच हजार से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और हमारे इसी क्रम में स्टेटिक जी के की रामायण ई e बुक लॉन्च हो गई है इस ई e बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं हमारी साइंस की ई e बुक को भी परचेस कर सकते हैं और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए विशेष तौर पर कि यूपी जीके ठीक है जीके और प्लस करंट की ठीक है प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है एक ही ई बुक में आपको यूपी जी के और करंट देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे भारत रत्न हमने देख लिया जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान होता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों की तो दो में कितने लोगों को पदम पुरस्कार दिए गए हैं ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा एक पूछा जाएगा कितने लोगों को पदम पुरस्कार दिए गए हैं तो आप कहेंगे एक लोगों को दिए गए हैं और कितने पदम पुरस्कार दिए गए हैं देखिए एक लोगों को दिए गए हैं और पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं तो 132 सौ पद्म पुरस्कार दिए गए हैं क्योंकि दो पद्मश्री पुरस्कार हैं ठीक है दो पद्मी पुरस्कार हैं ये डियो कैटेगरी में दिए गए हैं यानी कि दो लोगों को एक साथ दिए गए हैं इसलिए लोगों की संख्या कितनी एक हो जाती है और पुरस्कार कितने दिए गए हैं एक दिए गए हैं अब देखिए 2024 में एक पद्म पुरस्कार एक व्यक्तियों को दिए जाएंगे क्योंकि दो पद्मश्री पुरस्कार डियो कैटेगरी में यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे ठीक है तो टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं तो एक पाँच हैं पद्म विभूषण सत्रह हैं पद्म भूषण और एक सौ दस हैं पद्मश्री ठीक है याद रखना और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करें पद्म विभूषण की ठीक है तो पद्म विभूषण कितने नागरिकों को दिया गया मैंने बताया कि पाँच नागरिकों को दिया गया है वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो पाँच नागरिक कौन है एक तो है वैजंती वाली वैजंती माला वाली ये कौन है तो ये अभिनेत्री हैं कला के क्षेत्र में दिया गया तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं दूसरे एक अभिनेता हैं के चिरंजीवी ठीक है के चिरंजीवी अभिनेता हैं और कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं एम वेंकैया नायडू ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं विंदेश्वर पाठक इनका नाम आप आप लोगों ने सुना होगा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं और सुलभ इंटरनेशनल की ये संस्थापक हैं इनको मरणोपरांत दिया गया अभी हाल फिलहाल इनका निधन भी हुआ है ठीक है याद रखना बिहार से ये बिलोंग करते हैं फिर हैं पदमा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम डांसर हैं कला के क्षेत्र में दिया गया और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं ठीक है तो पद्म विभूषण याद रखना पांच लोगों को दिया गया है ठीक है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पद्म भूषण सत्रह लोगों को और पद्मश्री एक लोगों को तो पद्म पुरस्कारों पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ तो आप उसको देख सकते हैं अब की बात करें, तो गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे तो देखिए, मुख्य अतिथि की हम बात करें, एमोनुअल मैक्रो थे। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं तो छब्बीस जनवरी उन्नीस को क्या हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था और इसी दिन 1950 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था ठीक है और 2024 में भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है तो एक पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई है ठीक है और इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे इमानुअल मैक्रो थे ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं ठीक है थीके? और थीम की बात करें कि 2024 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है नेशवन की बात करें गणतंत्र दिवस पर परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा एक पूछा जाएगा निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही है तो आप कहेंगे उड़ीसा की झांकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो डिटेल से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं देखिए गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद की श्रेणी में उड़ीसा की झांकी पहले स्थान पर है गुजरात की झांकी दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु की झांकी तीसरे स्थान पर है वहीं आपसे पूछा जाएगा कि लोगों की पसंद की श्रेणी में तो लोगों की पसंद की श्रेणी में गुजरात की झांकी नंबर वन पर उत्तर प्रदेश की झांकी नंबर टू पर और आंध्र प्रदेश की झांकी तीसरे स्थान पर है ओके दोनों आपको याद रखना है अब बताओ कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है तो बच्चा बच्चा जानता है बाईस जनवरी दो को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या के अंदर ठीक है लेकिन डिटेल की हम बात करेंगे सारे फैक्टर को डिस्कस करेंगे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बाईस जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई और राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास कब किया गया था आप कहेंगे पांच अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी ने ही इसका भूमि पूजन किया था अब जो राम मंदिर बन के तैयार हुआ है उसकी ऊंचाई है एक, एक फीट और मंदिर की वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है चंद्रकांत सोमपुरा और रामलला की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे अरुण योगी राज हैं और रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है इंक्यावन इंच ऊंचाई है मंदिर की ऊंचाई है एक सौ इकसठ फीट और रामलला की जो मूर्ति है ना उसकी ऊंचाई है इंक्यावन इंच और निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है एल एंड टी यानी कि लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है और राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट या फिर समिति के द्वारा करवाया गया तो राम मंदिर निर्माण के लिए एक समिति बनाई गई थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ठीक है इसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण करवाया गया अब बताओ कि देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो गया है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका नाम क्या है तो बहुत लंबा नाम है भैया अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल सेतु ठीक है तो आप इसको अटल सेतु भी शॉर्ट में कह सकते हैं ओके अच्छा इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं देश तो का सबसे लंबा समुद्री पुल है और ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया और क्या नाम है तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहावा सेवा अटल से तो इसका नाम रखा गया है उद्घाटन मोदी जी ने किया बारह वा, जनवरी को बारह जनवरी को क्या होता है युवा दिवस यानी कि यूथ डे होता है बारह जनवरी को ठीक है और अटल ब्रिज के बारे में डिटेल की बात करें तो ये ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का बार बार सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है लंबाई कितनी है इक्कीस किलोमीटर और इसको बनाने में लागत आई है सत्रह हजार आठ सौ चालीस करोड़ रुपए की और ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है याद रखना मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा यानी कि वी आर ओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इरकॉन और इन्फिनिटी और एस पी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है ठीक है तो चार कंपनियों ने या फिर चार संस्थानों ने मिलकर इसका निर्माण किया है और इसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी आधारशिला कब रखी थी तो दिसंबर 2016 में मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताइए फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गैब्रियल अटल ठीक है और डिटेल की हम बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में जान लेते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है करेंसी यूरो है प्रेसिडेंट है एमोनुअल मैक्रो यही जो है ये रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और प्रधानमंत्री की बात करें कौन बन गए हैं तो ग्रे ग्रेबियल अटल बन गए हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है सैरेंग तोबगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भूटान की राजधानी थिम्पू है ठीक है और राजधानी भूटानी नगुल ट्रम है और जगमे खीसर नामग्याल वांगचुंग यहाँ के राजा हैं ठीक है थीके? और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेरेंग तोबगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपरनेकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड और पिछले एक लाख साल में सबसे गर्म साल का जो रिकॉर्ड है ये वर्ष दो को किया गया है डी ऑप्शन करेक्ट है अब बताओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ कौन बने हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुराम अय्यर ठीक है और याद रखना कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है तो वो है पी टी ऊषा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ने है गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया तो देखिए दोस्तों वेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना ये ओपेन हाइमर को दिया गया है किसको ओपेन हाईमर को बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए ये जो गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो यूएसए के लॉस एंजल्स में और 8 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपन हाइमर मूवी के लिए और इसी क्रम में बताइए कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन के लिए और किस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया तो ओपन हाइमर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है इसी क्रम में हम बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये सिलियन मर्फी ने जीता है ठीक है और ओपन हाइमर मूवी के लिए जीता है और इसी क्रम में पूछा जाएगा कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये लिली ग्लेड स्टोन ने जीता है और फिल्म किलर ऑफ फ्लावर मून के लिए इन्होंने ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ठीक है अब बताइए पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है तो ये जो बुक है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये ऑटोबायोग्राफी है जनरल मनोज मुकंद नरवड़े की ठीक है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए किस आईआईटी ने पहला हाई रेज भू स्क्लन जोखिम मानचित्र बनाया है जिसमें खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव में आसानी होगी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो मानचित्र है ना ये आई दिल्ली ने बनाया है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलीनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्रेंकुएस वेटन मेयर्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिटेल की बात करें तो देखिए फ्रेंकुएस ट मेयर्स विलूमबर्गे इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं ठीक है थीके? और इनकी कुल संपत्ति की हम बात करें तो इनकी कुल संपत्ति है सौ दशमलव एक बिलियन अमेरिकी डॉलर और ये लोरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है जिससे यहाँ के आसपास के हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया है तो याद रखना ये जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसमें अभी विस्फोट हुआ है और जब कोई ज्वालामुखी चर्चा में होता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस देश का है इंडोनेशिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या पाँच से बढ़कर कितनी हो गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिक्स के देशों की संख्या पाँच से बढ़कर हो गई है दस ठीक है पाँच और जुड़ गए हैं दस हो गई है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और डिटेल की बात करें तो देखिए ब्रिक्स की जो वर्तमान अध्यक्षता है वो है रूस के पास ठीक है तो ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं रूस के राष्ट्रपति कौन व्लादिमिर पुतिन इन्होंने एक जनवरी 2024 को पांच नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा करी है और इसी घोषणा के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है दस ठीक है नए सदस्य कौन कौन से जुड़े हैं तो मिस्र इथोपिया ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और पहले के जो पांच सदस्य हैं वो कौन हैं तो आपका ब्राज़ील हो जाता है आपका रसिया हो जाता है आपका इंडिया हो जाता है चाइना हो जाता है और साउथ अफ्रीका हो जाता है इस प्रकार से ये ब्रिक्स बनता है ठीक है बाकी कि ये पाँच नए सदस्य देश हैं इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इंकार कर दिया तो देखिए ब्रिक्स ने तो सहमति दे दी थी जब ब्रिक्स हुआ था ठीक है लेकिन जो अर्जेंटीना है इसने कहा कि हम ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनना चाहते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिटेल की बात करें तो 2024-23 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ठीक है और इसी दौरान छः देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर औपचारिक औपचारिक सहमति बन गई थी उस वक्त अर्जेंटीना ने भी सहमति दिखाई थी और शामिल होने के लिए कहा था लेकिन अर्जेंटीना में चुनाव हुए और चुनाव के बाद में हुआ सत्ता परिवर्तन और अर्जेंटीना ने फिर क्या दूरी बना ली कि भैया हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ऐलान किया है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा क्योंकि वह परंपरागत रूप से अमेरिका का करीबी रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर आठवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में नौवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला तैरता हुआ सी स्टेशन का निर्माण किया गया तो देश का पहला तैरता हुआ सी इस स्टेशन इसका निर्माण किया गया है कहाँ पर वाराणसी में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प द्वितीय विश्वयुद्ध संग्रहालय का शुभारंभ किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ठीक है और इस संग्रहालय में एक अमेरिकी विमान के अवशेष रखे गए हैं ठीक है और ये जो अमेरिकी विमान है ये वर्ल्ड वॉर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में पांचवे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के तिरुअनंतपुरम में नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एस का दर्जा प्रदान किया गया है तो हिमाचल प्रदेश का जो हट्टी समुदाय है इसको अब हाल ही में एस का दर्जा प्रदान किया गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो के द्वारा किसके द्वारा रिलायंस जियो के द्वारा सी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस शहर में सत्ताईसवा विश्व निवेश सम्मेलन दो का आयोजन किया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिराग सेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी ठीक है इन दोनों की जोड़ी को तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त दोनों खिलाड़ियों को ठीक है और इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध है बैडमिंटन खेल से ठीक है और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था फिर 6 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी ने इसका नाम बदला और इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और बदले गए नाम के साथ अब इस पुरस्कार के इस पुरस्कार में पच्चीस लाख रुपये का नगद नगद इनाम दिया जाएगा और इसकी शुरुआत कब हुई थी उन्नीस सौ में ठीक है और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को उन्नीस में ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे तैतीसवें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और तैतीसवा व्यास सम्मान जो है ये दिया गया है पुष्पा भारती को ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो देखिए दिसंबर 2023 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को तैतीसवें व्यास सम्मान दो से सम्मानित करने की घोषणा करी गई है और पुष्पा भारती को ये जो सम्मान है इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया जाएगा इससे पहले जो बत्तीसवा व्यास सम्मान है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था और जो व्यास सम्मान है ना ये उन्नीस से के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है और ये सम्मान दस वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है और पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए ये स्टेटिक जी के में हमेशा पूछा जाता है तो सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे और दोस्तों इसी प्रकार से हमें डिटेल में स्टडी करना है डिटेल में पढ़ने से ये होता है कि आपका स्टेटिक जी भी कवर होता जाता है ठीक है और आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है और एग्जामिनर कहीं से भी घुमा फिरा कर आपसे पूछ ले आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सही करके आएंगे ये आपके बहादुर सर का वादा है और मैं आपको बार बार बोलता हूँ यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को परचेस कर लीजिए आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे इस ई बुक के अंदर ठीक है तो ज़रूर परचेस कर लीजिए हमारी ई बुक को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं बताइए सी आई एस एफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा नीना सिंह ठीक है और ये बिहार की रहने वाली हैं नीना सिंह ठीक है और ये राजस्थान कैडर की और उन्नीस सौ नवासी की आईपीएस ऑफिसर हैं ठीक है कहाँ से बिलोंग करती हैं बिहार से बिलोंग करती हैं लेकिन राजस्थान कैडर की हैं ठीक है थीके? और याद रखना कि राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी यदि पूछा जाए राजस्थान पुलिस की पहली महिला डीजी पूछा जाए तो आप कहेंगे नीना सिंह थी ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसरो के किस वैज्ञानिक को सीस फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ़ ऑनर से सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी आर ललिताम्बिका और डिटेल की बात करें तो नवंबर 2023 को इसरो की वैज्ञानिक वी आर ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान दिया गया ये सम्मान का नाम क्या है तो लीजन ऑफ ऑनर नाम है और ये सम्मान भारत और फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर कहाँ स्थित है जिसका अनावरण पीएम मोदी जी ने किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है वाराणसी में ठीक है और डिटेल की बात करें तो देखिए भैया जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र अभी बनकर तैयार हुआ है इसको नाम दिया गया है स्वर वेद महामंदिर ठीक है और इसका उद्घाटन किसने किया है तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कब तो 18 दिसंबर 2023 को ठीक है और चूँकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ना ठीक है तो ये ये कितनी मंजिला है सात मंजिला है ठीक है और इसमें बीस हज़ार साधक एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब ये इतना बड़ा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के गरबा नृत्य के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया तो दोस्तों जो म्यांमार है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हैवी इलेक्टेड लिमिटेड यानी कि भेल के नए निदेशक कौन बने हैं तो दोस्तों भेल के नए डायरेक्टर बन गई हैं वानी वर्मा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिटेल की हम बात कर लेते हैं वेल फुल फॉर्म क्या है भारत है भी लिमिटेड और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में हेड में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना हुई थी नेक्स्ट डब्ल्यू एच ओ की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए तो भारत में वर्ष 2022 में तैतीस लाख नवासी हजार मामले पाए गए हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर वेदी के लिए ठीक है और ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने ठीक है और हरियाणा ने किसको हराकर तो राजस्थान को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम करी है बताइए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी एरब्स के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है और ये कौन है तो ये इंग्लैंड की गोलकीपर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है तो दोस्तों यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक तो पूछा जाएगा सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी केवल पहली महिला अधिकारी पूछा जाए तो आप कहेंगे शिवा चौहान ठीक है लेकिन पूछा जाए कि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो आप कहेंगे गीतिका कॉल ओके दोनों याद रखेंगे अच्छा इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर में और ऑपरेश ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है ठीक है तो ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी पूछा जाए तो आप कहेंगे कैप्टन फातिमा बशीम बनी है ठीक है ये ऑपरेशनल पोस्ट क्या होता है तो ये उसे कहते हैं जहाँ से दुश्मन पर नजर रखी जाती है और अपनी सीमा की रक्षा की जाती है उसे कहते हैं ऑपरेशनल पोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेस फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा दिशा नायक ठीक है और दिशा नायक कहाँ से बिलोंग करती हैं तो ये गोवा से बिलोंग करती हैं देखिए क्रेश फायर टेंडर क्या होता है तो यह एक विशेष अग्निशमन इंजन होता है जिसका उपयोग हवाई अड्डों सेन हवाई अड्डों और हवाई अड्डों पर विमान बचाव और अग्निशमन के लिए किया जाता है और इसी को ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला जो है ये दिशा नायक बन गई हैं कहाँ से ये बिलोंग करती हैं तो ये गोवा राज्य से बिलोंग करती हैं बताइए दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहाँ पर बनाई गई सबसे गहरी प्रयोगशाला ये कहाँ पर बनाई गई है चाइना देश में बनाई गई है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला चाइना की सिचुआन प्रांत में बनाई गई है और ये जो प्रयोगशाला है ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है बताइए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फोटो देख के समझ जाओ ये सम्मान किसको दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया अच्छा ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उत्कृष्ट काम किया हो और हमारे मोदी जी राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए तो उत्कृष्ट कार्य कर ही रहे हैं ना याद रखना तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है मोदी जी को केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उल्लास ऐप नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सी एफ ओ बनाया गया है तो टेस्ला का नया सी एफ ओ जो है ये बनाया गया है बे तनेजा के लिए याद रखना बेबह तनेजा जो हैं, ये भारतीय मूल के हैं नेक्स्ट वन की बात करें तो हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता सुल्तान जोहर कप जीता है जर्मनी ने ठीक है और जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट शूट आउट में तीन एक से हरा कर ये कप अपने नाम किया है अच्छा इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो मलेशिया के क्वालामपुर में इसका आयोजन किया गया बताइए वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि डब्लू पी की पहली चैम्पियन टीम कौन बनी जैसे पुरुषों के लिए होता है आई तो आई की तर्ज पर पहली बार डब्लू शुरू किया गया ठीक है और इसमें पहली चैम्पियन टीम जो है ये मुंबई इंडियंस बनी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है डिटेल की बात करें तो देखिए मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को सात विकेट से हराया हरा कर डब्ल्यू पी एल का खिताब जीत लिया है ठीक है चूँकि पहली बार ये शुरू किया गया तो पहला संस्करण है आयोजन कहाँ पर किया गया मुंबई में किया गया पाँच टीमें इसमें शामिल हुई हैं इसमें ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया मैग लैनिंग के लिए पर्पल कैप का खिताब जीता दिया गया हेली मैथ्यूज़ के लिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी किसने जीता है हेली मै मैथ्यूज़ ने जीता है बताइए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी की टीम ने ठीक है तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप इम्पोन्ट है सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं तो फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया जर्मनी और बेल्जियम के बीच में और इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में हरा कर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया ठीक है तो हम कह सकते हैं विजेता टीम जर्मनी है जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है और विजेता टीम बेल्जियम है इसने सिल्वर मेडल जीता है तीसरे स्थान है नीदरलैंड का ब्रॉन्ज मेडल जीता है नीदरलैंड ने आयोजन उड़ीसा में किया गया और पंद्रवा संस्करण खेला गया है बताइए मोदी जी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है सबसे पहले ये समझो कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना में क्या होता है तो राशन कार्ड धारकों को हर महीने पांच किलो अनाज दिया जाता है ठीक है और इस इसका विस्तार मोदी जी ने किए कर दिया है 2028 तक सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 के बाद अभी उन्तीस में फिर इलेक्शन आएंगे फिर विस्तार कर दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाव लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना अच्छा ये योजना क्या है तो देखिए ऐसी नाबालिग लड़कियाँ जिनके साथ दुष्कर्म हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद कई परिवार वाले ऐसे होते हैं कि उनको त्याग देते हैं ठीक है परित्याग कर देते हैं तो ऐसी लड़कियों को आश्रय देने के लिए खाना देने के लिए कानूनी सहायता देने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू करी है केंद्र सरकार ने बताइए वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएम प्रणाम योजना नेक्स्ट की बात करें तो पीएम मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करी है तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू करी है मोदी जी ने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब बताइए निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो विश्व का सबसे लंबा गीत जो है यह श्रीरामचरितमानस बन गया है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है और दोस्तों यदि हम बात करें कि इस गीत को आवाज़ किसने दी है तो नाम याद रखना है इनका नाम है जगदीश पिल्लई ठीक है ये यूपी के वाराणसी के रहने वाले हैं ठीक है जगदीश पिल्लई और अच्छा क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है ना तो इसकी अवधि कितनी है कितनी अवधि का है तो एक घंटे ठीक है और इकतालीस मिनट और बीस सेकंड का ये गीत है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना शुरू करी गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना राज्य ने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने बसों में महिलाओं लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा देने के लिए महालक्ष्मी योजना को शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता ब्रांड एम्बेस्डर किससे नियुक्त किया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स सूरज डायमंड वर्स का उद्घाटन किया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर किया है तो सूरत में ही किया है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सत्रह दिसंबर दो हज़ार तेईस को मोदी जी ने गुजरात के सूरत शहर के खजोद गांव में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया ये कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार का एक ग्लोबल केंद्र है और याद रखना सूरत दुनिया के बानबे प्रतिशत नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग व डिज़ाइन करता है बताइए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर शिफ्ट के लिए ठीक है और टेलर शिफ्ट कौन है तो ये अमेरिकी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं बताओ गूगल के टॉप टेन ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है तो गूगल की जो टॉप टेन ट्रेंडिंग एथलीटों की सूची आई है ना उसमें भारत के एकमात्र क्रिकेटर हैं शुभमन गिल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अच्छा इस सूची में यदि हम बात करें कि टॉप पर कौन है सबसे ऊपर तो सबसे ऊपर हो जाते हैं रचिन रविंद्र ठीक है और रचिन रविंद्र जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ठीक है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं तो इनका नाम याद रखना और टॉप टेन में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल इनका भी नाम याद रखना बताइए पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डोनाल्ड टस्क कौन डोनाल्ट टस्क वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है करेक्ट आंसर हो जाएगा रिज शब्द के लिए किसको रिज शब्द के लिए वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है तो जो जमानत पर रिहा होते हैं ऐसे आरोपियों के पैर में जीपीएस लगाने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस पहली पुलिस बनी है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवें स्थान पर रहा है भारत डिटेल की बात करें तो देखिए जर्मन बॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और ये जो सूचकांक है देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है इस सूच ये जो सूचकांक है चार श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है एक तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा तीसरा है ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति ये चार श्रेणियां हैं मूल्यांकन करने की ठीक है और देखिए इस सूचकांक में जो शुरू के तीन स्थान हैं ठीक है ठीके? पहला दूसरा और तीसरा तो शुरू के तीन स्थान रखे गए हैं खाली क्यों रखे गए क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है ठीक है इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको पहले के तीन स्थान दिए जाएं इसलिए शुरू के तीन स्थान रखे गए हैं खाली ठीक है अब चौथे स्थान पर कौन है डेनमार्क है पांचवे स्थान पर एस्टोनिया है छठवें पर फिलीपींस है और सातवें पर है अपना देश भारत ठीक है याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन ने है भारत के शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिशन पर भारतीय ध्वज फहराया है तो देखो दोस्तों याद रखना जो माउंट बिशन है ना ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ठीक है और इस पर ध्वज किसने फहराया भारतीय ध्वज तो शेख हसन खान ने फहराए भारत के हैं और आपसे पूछा जाएगा ये किस राज्य के हैं ठीक है तो आप कहेंगे ये केरला राज्य के हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश तो ने? ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है तो अभी चाइना देश ने किसने चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है और ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वन पॉइंट टू टी ठीक है की स्पीड से चल रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की वायुपेक एट हंड्रेड रिलीज हुई है तो याद रखना जो एट हंड्रेड है ये मुथैया मुरलीधरन की है ठीक है और ये कहाँ की पूर्व क्रिकेटर हैं श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं बताइए हाल ही में पुस्तक सिंधिया और अठारह का विमोचन किया गया इस पुस्तक के राइटर कौन है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राकेश पाठक इस पुस्तक के राइटर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में होल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला पहला राज्य बन गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरला राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर प्राइज 2023 पॉल लिंच को दिया गया है उनका संबंध किस देश से है याद रखना बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया लिंच को और इनका संबंध है आयरलैंड से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ से दो बातें याद रखना एक तो बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया ठीक है किस उपन्यास के लिए दिया गया तो आप कहेंगे पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए दिया गया और ये आयरलैंड देश के हैं ठीक है थीके? और 2022 का जो बुकर पुरस्कार है ये सेहान करुणा तिलिक को दिया गया था इनके उपन्यास दी सेवन आ, मून ऑफ माली एडमिडा के लिए और इनका संबंध कहाँ से है श्रीलंका देश से अब बताओ कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी श्री सिद्धारुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ठीक है और हम बात करें कि ये चूंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है तो ये कहाँ पर स्थित है तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में और कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में ये स्थित हो जाता है ठीक है आ, चूँकि ये सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बना है तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 1507 मीटर इसकी लंबाई है बताइए हाल ही में वी आर ओ यानी कि वॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है ये शुरू किया गया है लद्दाख में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए लद्दाख के डेम चौक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है ठीक है ये रोड जो है ये उन्नीस हजार चार सौ फीट ऊंचाई से होकर गुजरेगी और इस सड़क का नाम लिक्रू मिल्ला फुकचे रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित करी गई है नई दिल्ली में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए नई दिल्ली में भारत मंडपम बिल्डिंग है ठीक है और इसी बिल्डिंग के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित करी गई है इसकी ऊंचाई 27 फीट है चौड़ाई हो जाती है इक्कीस फीट और वजन कितना हो जाता है 18 टन और ये जो मूर्ति है ना आठ धात से मिलकर बनी है और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया है और ये मूर्ति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है और ये जो पद्धति है ना ये चोल युग की एक स्वदेशी तकनीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर और इसका निर्माण जो है ये बिहार में शुरू हुआ है ठीक है और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ है ठीक है जून 2023 में इसका निर्माण शुरू हो गया ठीक है और लगभग 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इस मंदिर में एक साथ बीस हजार लोग बैठ सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा इसको नाम दिया गया है क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश में ये बनाई गई है ठीक है चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी ही यीशु मसीह की प्रतिमा तो इसकी लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो आप कहेंगे तैंतालीस मीटर या फीट में पूछी जाए तो एक सौ इकतालीस फीट जो है इसकी लंबाई हो जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बनकर तैयार हुआ है कहाँ पर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर स्थित है करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में और राजस्थान की किस जिले में तो राजस्थान की राजसमंद जिले जिले में और नाथ द्वार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है इसको नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है एक सौ बारह मीटर इसकी ऊंचाई है नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेस्टर बनाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसी क्रम में त्रिपुरा टूरिज्म की भी ब्रांड एम्बेस्टर पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेस्डर हैं बताइए जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है तो आप कहेंगे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए ठीक है और चुनाव आयोग का नेशनल आइकन आपसे पूछा जाएगा तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन राजकुमार राव बने हैं ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसी प्रकार से आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है तो मैथिली ठाकुर को निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य का आइकन बनाया है ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब देखिए कि जो बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम है इसका ब्रांड एम्बेस्टर किससे बनाया गया है तो मैथिली ठाकुर को ही बनाया गया है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बी ऑप्शन करेक्ट है देखिए हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश सी ऑप्शन करेक्ट है हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला जो भूटान है ना ये दुनिया का पहला देश बन गया है बताइए विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा डिटेल से समझ लेते हैं देखिए दुनिया की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है और अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको मंजूरी दे दी है और इसका नाम रखा गया है एक्सचेक क्या एक्सचेक इसका नाम रखा गया और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है प्रधानमंत्री मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा एल तेजस के माध्यम से मोदी जी ने उड़ान भरी और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं डिटेल की हम बात कर लेते हैं देखिए मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को एल तेजस से बेंगलुरु में एच ए एल हवाई अड्डे पर करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी और मोदी जी तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए तेजस के बारे में हम बात करें तो तेजस एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है इसे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है ठीक है इसकी टॉप स्पीड है बाईस किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज कितनी है तीन किलोमीटर इसकी रेंज है नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया अपने देश भारत को हराया छ विकेट से ठीक है देखिए इसका आयोजन किया गया पांच अक्टूबर से उन्नीस नवंबर तक ठीक है तेरवा संस्करण है क्रिकेट वर्ल्ड कप का विलेज और टोंक इसका शुभंकर बनाया गया एथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले और इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है तो प्रीतम इसके कंपोजर हैं और जीता किसने है ऑस्ट्रेलिया ने और छठवीं बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने कप्तानी करी ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस ने और उभ जीता है अपना देश भारत ठीक है भारत की तरफ से कप्तानी करी रोहित शर्मा ने देखिए बहत्तरवीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है ठीक है किसने जीता है तो सैन्यस पलासी उसने जीता है ये निकारा गुआ देश की हैं ठीक है ठीके? अब डिटेल की हम बात करें देखिए जो बहत्तरवीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन किया गया अलसलवाडोर देश में ठीक है और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से किसने भाग लिया तो श्वेता सारदा ने भाग लिया ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं ठीक है थीके? और इस प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान ने भी डेब्यू किया है ठीक है और दुनिया भर से छियासी सुंदरियों ने इसमें भाग लिया ठीक है लेकिन जीता किसने है तो जीता है सेनेस प्लासियोस ने ठीक है निकारागुआ की और इससे पहले जो इकहत्तरवीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2022 में ये किसने जीता था अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने और सत्तरवीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीता था अपने देश की बेटी हरनाज कौर संधु ने ठीक है अभी 2023 वाला किसने जीता है सैनस प्लासियोस ने जीता ये नकारागुआ देश की रहने वाली हैं ओके बताइए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है जिनका हाल फिलहाल निधन हो गया है तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा साहेब बीबी ठीक है और इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है तो इनके बारे में हम डिटेल से कवर कर लेते हैं इनका निधन कब हुआ 23 नवंबर 2023 को छियानवे वर्ष की आयु में इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ था केरला के पत नाम थिट्टा में इनका जन्म हुआ था इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये पहली जज बनी थी उन्नीस में और कार्यकाल रहा था उन्नीस तक ठीक है और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली पहली महिला सदस्य भी बनी थी ठीक है तो फातिमा साहब के बारे में ये सारी बातें ये सारे फैक्ट याद रखना दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ यदि आप इस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए ठीक है आपको कंप्लीट साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा ठीक है और स्टेटिक जीके की राम मण ई बुक लॉन्च हो गई है इसको भी आप परचेस कर सकते हैं साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है इसको भी आप परचेस कर लीजिए इन तीनों ई बुक का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहाँ पर हमने लास्ट ट्वेल्व मंथ के करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट हंड्रेड क्वेश्चन को डिस्कस किया बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगी एक क्वेश्चन आपको एज अ टेस्ट छोड़कर जा रहा हूँ इसी वीडियो से इस क्वेश्चन को लिया है 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए आपको बताना है फटाफट से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं अच्छा वीडियो लगा अच्छा लगा ही होगा वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों ना भाई सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए नए भाई बहनों से यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लूँ ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का नया वीडियो डालूँ इम्पोर्टेंट आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अच्छा इसी प्रकार के इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले को विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी लिंक या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर तीन वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे इस वीडियो को ज़रूर देख लें थैंक यू दोस्तों आपके बहादुर सर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम